नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में कोरोना संक्रमितों का हुआ महाविस्फोट, एक दिन में मिले 78 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 1100 के पार। श्रावण की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में लटका रहा ताला, मंदिर के द्वार पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। ट्रिपल आईटी के विज्ञानियों ने बनाया डिजिटल एक्सरे सॉफ्टवेयर, महज 10 सेकंड में होगा कोरोना जांच। लॉकडाउन के दौरान दत्तारपुर में सामूहिक नमाज अदा करने वालों पर एसएसपी ने लिया संज्ञान, 10 नामजद सहित 100 अज्ञात पर हुआ मामला दर्ज। और 4 दिन पूर्व बिहपुर से अपहृत विवाहिता का शव कोसी नदी से हुआ बरामद, हत्यारा पति हुआ फरार। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में कोरोना वायरस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। लगातार तेजी से हो रही कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि जिलेवासियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। जिले में रविवार को एक दिन में सबसे अधिक 98 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। डीडीसी सुनील कुमार, एडीएम राजेश झा राजा एवं डीएम प्रणब कुमार भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही एनटीपीसी कहलगांव के डीजीएम की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बता दें कि डीएम प्रणब कुमार के दोनों पुत्र का रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आया। साथ ही जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिसकर्मी भी इसकी जद में आ चुके हैं। वहीं रविवार को खलीपाबाग चौक स्थित यूको बैंक मेन ब्रांच के सीनियर मैनेजर समेत 2 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवाने वालों की संख्या 17 हो गई है। इधर डीएम प्रणब कुमार के आवास को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ जिलाधिकारी की पत्नी और दोनों बेटों का इलाज चल रहा है। वहीं ताजा रिपोर्ट की अगर बात करें तो सोमवार को जिले में 78 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों का ग्राफ चढ़कर 1100 के पार जा चुका है। इसके साथ ही बिहार में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17,000 के करीब पहुंच चुकी है। लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़े कोरोना की विकराल अवस्था को दर्शा रहे हैं। श्रावण का पवित्र महीना प्रत्येक वर्ष शिव भक्तों के लिए खुशियां लेकर आता है। भगवान भोले के भक्त इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। श्रावण माह में देवाधिदेव महादेव के लाखों भक्त दूर दूर से कांवर में गंगा जल भर बाबा बैद्यनाथ धाम में जल अर्पण करते हैं। भागलपुर में भी श्रावण माह में सोमवारी के मौके पर बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, अजगैबीनाथ मंदिर, मनस्कामनानाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर समेत अन्य शिवालयों में शिव भक्तों का हुजूम देखने को मिलता है। पर इस साल सावन का सारा आनंद कोरोना संकट के कारण सिमट गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों में हो रही तेजी से वृद्धि के कारण राज्य सरकार के निर्देश पर सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है। कोरोना का इतना प्रकोप है कि कई जिले अभी भी लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जो गलियां हर हर महादेव के जयघोष से गूंजती रहती थी, जिन सड़कों पर शिव भक्त कांवर लेकर बोलबम का नारा लगाते दौड़ते रहते थे और जिन मंदिरों के बाहर मेला सा माहौल होता था, इन सभी जगहों पर आज सन्नाटा है। सारी गलियां सूनी है, शिवालयों के गेट पर ताले लटके हैं। यूं कहें तो इतने सूने श्रावण को देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना ने श्रावण को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर शिव भक्तों ने मंदिर के द्वार पर एवं अपने घरों में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर कोरोना से निजात की प्रार्थना की। कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक ओर जहां संक्रमितों का ग्राफ तेजी से चढ़ रहा है, वहीं कोरोना टेस्टिंग किट का डिमांड भी। बता दें कि भागलपुर सदर अस्पताल को प्रतिदिन 50 टेस्टिंग किट ही मुहैया कराए जाते हैं, जिस कारण कई बार संदिग्धों की जांच समय पर नहीं हो पाती है। जल्द ही टेस्टिंग किट की कमी एवं इसके अधिक मूल्य की वजह से हो रही परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। भागलपुर ट्रिपल आईटी के निर्देशक प्रोफेसर अरविंद चौबे एवं उनकी टीम ने एक ऐसा डिजिटल एक्सरे सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो मात्र 1 सेकंड में मरीजों के कोरोना संक्रमित होने की जांच कर सकता है। ट्रिपल आईटी के निर्देशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने बताया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोरोना वायरस का कुछ ही सेकंड में पता लगाया जा सकता है। साथ ही इसके माध्यम से जांच कराना बहुत ही सस्ता साबित होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल एक्सरे सॉफ्टवेयर की मदद से महज 100 रुपए में कोरोना की जांच की जा सकेगी। सबसे खास बात यह है कि डिजिटल एक्सरे पता कर सकता है कि मरीज कोरोना संक्रमित है या सामान्य सर्दी जुखाम से पीड़ित। ऐसे वक्त में इस सॉफ्टवेयर की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि लोग सीजनल सर्दी खांसी होने पर भी कोरोना की जांच के लिए सैंपल देते हैं। ट्रिपल आईटी के निर्देशक ने कहा कि जल्द ही प्रमाण पत्र मिलने के बाद सॉफ्टवेयर कहीं भी कोरोना की जांच करने के लिए अधिकृत हो जाएगा। भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दरगाह के प्रवेश द्वार को भी बंद कर दिया गया है।
दरअसल शुक्रवार को सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने पर रोक के बावजूद ततारपुर मस्जिद के बाहर लोगों ने बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए सामूहिक नमाज अदा की, जिसको एसएसपी आशीष भारती ने काफी गंभीरता से लिया है। एसएसपी के निर्देश पर ततारपुर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार ने लॉकडाउन उल्लंघन मामले में 10 नामजद सहित 100 से अधिक अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गए हैं। पुलिस मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों और मौलाना की तलाश कर रही है। इधर शहरी क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मस्जिदों में सामूहिक रूप से पंचगाना की नमाज नहीं होने की नोटिस चिपका दी गई है। वहीं ततारपुर मस्जिद कमेटी के सचिव मोहम्मद हिलाल अहमद ने बताया कि जिला प्रशासन ने 9 जुलाई से लॉकडाउन लगाया है और उसी दिन मस्जिद के गेट पर नोटिस भी चिपका कर इकट्ठे होकर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की गई थी, लेकिन लोगों ने कमेटी की बात नहीं मानी और सामूहिक रूप से सड़कों पर ही नमाज अदा की। भागलपुर बीरपुर पुलिस ने मड़वा गांव से आपृत विवाहिता शिखा कुमारी का शव रविवार को जयरामपुर दियारा के समीप कोसी नदी से बरामद किया है। 9 जुलाई को शिखा के पिता खरीक तेलघी गांव निवासी विनय सिंह ने बेटी की हत्या की आशंका जताते हुए ससुराल पक्ष के लोगों पर बीरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं शव मिलने की सूचना मिलते ही शिखा के मायके में कोहराम मच गया है। परिजनों ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व शिखा की शादी मड़वा गांव निवासी अमित राय उर्फ नेपाली के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही शिखा को अपने पति का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पति और पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। 8 जुलाई की रात पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों ने मिलकर शिखा की हत्या कर शव को कोशी नदी में फेंक दिया। थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि घटना में शामिल 2 आरोपी रंजू देवी और शिवम राय को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि पति अमित राय उर्फ नेपाली फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हमारे गाँव की बच्ची थी, उसको उसका पति और कुछ उसके बगल का उस मतलब उसका शायद चाची लगती चचेरी मतलब उसकी चचेरी सास लगती थी, ये लोग मिल करके और उसका भाई ये लोग मिल करके उसका हत्या कर दिया। हत्या करके आशंका है कि इसको घर में ही तकिया से या कि कपड़ा से मुंह बंद करके या गला दबा करके इसका हत्या कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर तो हम लोग थे नहीं। वहाँ का तो क्या हुआ, तो हम लोग थाने में आवेदन दिए हुए थे कि हम ये गायब है, आशंका है कि ये लोग इसकी हत्या कर दिए, क्योंकि इसकी माँ खुद लड़का की माँ बताई कि देखिए रात को ये लोग ऐसे हल्ला गुल्ला किया है, उनको उसको लेके गायब है। जो मिला है उसमें पोस्टमार्टम के लिए हम भेजे हुए हैं, पोस्टमार्टम के पहुँचाने के बाद आवेदन कार्रवाई की जाएगी और अभी रेट सब हमारी जारी है। प्रथम दृष्टया क्या है? प्रथम दृष्टया लग रहा है कि सबको गलत है, किया है इसके साथ। सबकी पहचान कैसे हुई? सबकी पहचान परिजन ने किया है, उसके पास वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी
रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी MRI स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा, डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच, डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवगछिया पर्वत्ता थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव में 7 वर्षीय बच्ची की सर्पडंश से मौत हो गई। मृतक बच्ची की पहचान शंकरपुर निवासी चतुरी साह की पुत्री रितु कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि सोमवार की सुबह रितु कुछ बच्चों के साथ चौकी पर खेल रही थी। इसी दौरान वो चौकी से नीचे उतरी, तभी कोने में बैठे सांप ने उसे डस लिया, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पर्वत्ता पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे सुबह उठा, ठीक है, और बच्चा खेल रहा था, कैसे एगो सैंपल मान में चल गया, और उस बच्ची ने वो मान से जो सैंपल निकाला बस उसमें सर काट लिया। किसको? बच्ची को। रितु कुमारी कहाँ घर? घर शंकरपुर, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर। नवगछिया तीनटंगा करारी के ग्रामीणों ने सोमवार को कालाबाजारी करने जा रहे पिकअप वैन से 40 बोरा चावल बरामद किया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने बरामद चावल को गोपालपुर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि मौका मिलते ही पिकअप वैन चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामले की जानकारी ADSO को दी, जिसके बाद गोपालपुर थाना पहुंचे ADSO शशिकांत राम ने ग्रामीणों से पूरे मामले की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि संदेह के आधार पर सैदपुर गांव में पिकअप वैन को रोककर तलाशी ली गई, जिससे 40 बोरा चावल बरामद किया गया। ADSO ने बताया कि ग्रामीण वासुकी मंडल की लिखित आवेदन पर अज्ञात PDH डीलर, पिकअप ऑनर एवं ड्राइवर पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है। थानाध्यक्ष श्रीकांत भारती ने बताया कि मामले में वरीय अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। बांका कटोरिया प्रखंड के कटियारी पंचायत अंतर्गत गिद्धमड़वा गांव स्थित 42 एकड़ सरकारी बंजर जमीन पर सोमवार को DDC रवि प्रकाश ने पौधारोपण के कार्य का शुभारंभ किया। DDC ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए जल जीवन हरियाली के तहत मनरेगा योजना द्वारा सरकारी जमीन पर अर्जुन का पौधा लगाया गया। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अर्जुन पौधे पर रेशम कीट का पालन कर तशर की खेती से ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना ही मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कीट पालन के साथ कोकून से रेशम का धागा तैयार करने के लिए रिलिंग सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। मौके पर प्रमुख प्रमोद मंडल, शिव सागर प्रसाद, PO संजीव कुमार, थानाध्यक्ष पंकज कुमार रावत सहित कई लोग मौजूद थे। कोशी का जल स्तर बढ़ने से भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। नवगछिया बिहपुर प्रखंड के गोविंदपुर गांव में कोशी नदी का भयानक कटाव जारी है। सोमवार की सुबह देखते ही देखते मध्य विद्यालय गोविंदपुर का भवन कटाव की भेंट चढ़ गया। कुछ ही सेकंड में पूरा भवन गंगा नदी में समाहित हो गया। वहीं कटाव की जद में आने से कई परिवार समेत पूरा गांव विस्थापित हो गया है। कई अन्य घर भी कटाव के मुहाने पर पहुंच चुके हैं, जो कभी भी नदी में समाहित हो सकते हैं। ग्रामीण अपने मकान की फिक्र छोड़कर जरूरी सामान निकाल रहे हैं। वहीं तेजी से हो रहे कटाव को लेकर मुखिया चंचला देवी ने बताया कि विस्थापित परिवार को राहत के नाम पर सिर्फ प्लास्टिक सीट दी गई है। मुखिया ने कटाव रोकने की दिशा में ठोस पहल करने एवं कटाव पीड़ितों के लिए पुनर्वास की मांग की है। बांका फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र के भीतिया पंचायत अंतर्गत काली पहाड़ी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच बमबाजी हो गई, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर बम फेंक दिया। घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए बांका अस्पताल में भर्ती कराया।
घायल की पहचान शाहब यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच वर्षों से खूनी संघर्ष चल रहा है। वहीं घायल साहब यादव के पुत्र सरजीत कुमार ने 4 लोगों पर लिखित आवेदन देकर थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, पर फिर भी जिले वासियों को कोरोना से डर नहीं लग रहा है। बता दें कि पुलिस प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मास्क के इस्तेमाल को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सोमवार को पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों के कागजातों की जांच की, साथ ही हेलमेट, सीट बेल्ट एवं मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना राशि भी वसूला गया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों ने आम लोगों से मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलने की अपील की, साथ ही अनावश्यक रूप से सड़कों पर भटक रहे मनचलों को सख्ती से सरकारी गाइडलाइंस का पाठ पढ़ाया। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में कोरोना संक्रमितों का हुआ महाविस्फोट, एक दिन में मिले 78 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 1100 के पार। श्रावण की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में लटका रहा ताला, मंदिर के द्वार पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। ट्रिपल आईटी के विज्ञानियों ने बनाया डिजिटल एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर, महज 10 सेकंड में होगा कोरोना जांच। लॉकडाउन के दौरान दत्तारपुर में सामूहिक नमाज अदा करने वालों पर एसएसपी ने लिया संज्ञान, 10 नामजद सहित 100 अज्ञात पर हुआ मामला दर्ज। और 4 दिन पूर्व बीहपुर से अपहृत विवाहिता का शव कोसी नदी से हुआ बरामद, हत्यारा पति हुआ फरार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।